Thank <laughs> you. हेलो एवरीवन माय नेम इज वेलकम बैक टू द ऑफिशियल ऑफ आज के सेशन के अंदर विल बी कवरिंग अ फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस चलिए ज्वाइन कर जाइए आज के सेशन के अंदर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन आई होप आपके एंड पे ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है चलो जल्दी से मेरे को बता देना ऑडियो वीडियो क्लियर है सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन Uh, इसी मंद आ जाएगी मालती हिंदी मीडियम की बुक्स ओके okay? चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के सेशन के सेशन साथ में सो इंटरनेशनल बिजनेस एक इंट्रोडक्शन uh, हम आज के सेशन के अंदर जो है वो लेने की कोशिश करने वाले हैं नाउ अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट यू नेट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस है क्या अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एक हम कहते हैं इंटरनेशनल international मतलब इंटरनेशनल हो गया जहां पे हम अक्रॉस बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं यानी एक, एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे मान लो मैं रह रही हूँ एक कंट्री के अंदर लेकिन वो बिजनेस दूसरी कंट्री तक भी फैला हुआ है मेरा मान लो कि मैं यहाँ पे बैठ करके इन पेंट का प्रोडक्शन कर रही हूँ इनको मैं बेचने जापान में जा रही हूँ या मैंने इसका एक सेटअप जो है वो अमेरिका में करके रखा हुआ है सर तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पूरा सेटअप है इसको ये क्या कहलाता है ये कहलाता है हमारे लिए इंटरनेशनल सेटअप तो इंटरनेशनल बिजनेस का अर्थ क्या हो गया बिजनेस का मतलब होता है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लेट से फॉर एन एग्जाम्पल हम ये बना रहे हैं और इसको बेच रहे हैं तो आप कोई भी एक्टिविटी करिए उस एक्टिविटी को करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है ना वो अगर लाभ यानी प्रॉफिट कमाना है तो यानी हम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जब यही चीज आप अक्रॉस बॉर्डर्स करने लग जाए तो उसको आप इंटरनेशनल बिजनेस का नाम देते हैं ओके नो इश्यू यशी पेड क्लास में अभी जब हम लोग मिलेंगे चार बजे तब आप मेरे को बताइएगा क्या इश्यू आ रहा है ठीक है तो हम लोग उसको देखते हैं कैसे सॉर्ट कर सकते हैं क्यूनिंग ओपन हो रही है आपकी पीडीएफ तो इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हम में के इंडिया के बाहर जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उद्देश्य उसका प्रॉफिट कमाना होना चाहिए तो उन सारे ही ट्रांजेक्शन को हम इंटरनेशनल बिजनेस के दायरे के अंतर्गत लेकर के आते हैं अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव यानी हमारा जो उद्देश्य होता है इन सारे ट्रांजैक्शंस को करने का वो होता है चाहे वो इंडिविजुअल्स के लिए हो चाहे वो कंपनीज के लिए हो क्या होता है कि हमें अपने जो बिजनेस है उसको या तो फैलाना है प्रॉफिट बढ़ाना है कस्टमर का बेस बढ़ाना है कोई भी इनमें से उद्देश्य हो सकता है अब इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस कई प्रकार से हम करते हैं पहला तो एक्सपोर्ट मतलब जब आप एक कंट्री में रह रहे हैं अवेलेबल है और वहां पर आपने कोई भी चीज जो प्रोड्यूस करी है उसको आप किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो आप क्या करते हैं आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अब इंडिया के अंदर रह करके अगर आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं प्रोडक्शन करते हैं और उसको बेच देते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर भेज दिया आपने तो आपने क्या किया आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी है हाँ जी शोर मालती जी जैसे आएंगे मैं वैसे ही इन्फॉर्म कर दूंगी तो इट इज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज यानी आपने एक कंट्री में गुड्स को बनाया और आप फॉरेन में जाकर के उन गुड्स को बेच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा दूसरी ओर यहाँ पे अगर हम लोग आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंट्री के नहीं है मतलब मेजर प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो वो हमारी कंट्री के नहीं होते होते मतलब आप खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक के सामान देख लीजिए प्रोडक्ट्स देख लीजिए आप मेजर चीज़ें यूज करते होंगे जो आपकी कंट्री की नहीं है मतलब इतने सारे ब्रांड्स होंगे जिनकी आप कपड़े यूज कर रहे होंगे जिनके आप मोबाइल्स यूज कर रहे हैं आप एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप यूज कर रहे हैं इवन आजकल अगर हम खाने की बात करें तो खाने के प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर रहे हैं चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या कुछ ये हमारी कंट्री में नहीं बने ये कहीं बाहर बने हैं और वहाँ कहाँ से यहाँ आए हैं यानी हमने हमारी कंट्री के अंदर इन गुड्स का क्या किया है इम्पोर्ट किया है तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इम्पोर्ट करना यानी जब आप खरीद रहे हैं वो गुड्स या वो सर्विसेज जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर बनी हुई है फिर आ जाता है हमारा एंट्री पॉट ट्रेड एंट्री पॉट ट्रेड का मतलब हो गया जब आप गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपका उद्देश्य है इन गुड्स को या तो इसी ओरिजिनल फॉर्म में या थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके इसको वापस से एक्सपोर्ट कर देना तो आप क्या कर रहे हैं आप एंट्री पॉट ट्रेड कर रहे हैं एंट्री पॉट ट्रेड क्या होता है जब भी मैं कोई भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट करूं और ये जो इंपोर्ट किया हुआ गुड्स है इसको मैं वापस किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दूंगी तो इसको कहते हैं एंट्री पॉट ट्रेड करने की कोशिश करना अब इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें ट्रेड का मतलब होता है खरीदना या बेचना यानी बाइंग एंड सेलिंग ये बाइंग एंड सेलिंग जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे करूं इंटरनेशनल का मतलब खाली मेरी कंट्री इंडिया इन्वॉल्व नहीं है देर आर सेवरल कंट्रीज इनवॉल्व यानी मैं यहां से वहां बेच रही हूं या वहां से यहां खरीद रही हूं इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही हूं तो मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूं सो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व करता है एक्सपोर्ट एंड ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस हम सिर्फ और सिर्फ क्या गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं नहीं हम क्या सर्विसेज भी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं भाई अगर मैं यहाँ पे हूं क्या मैं अपनी सर्विसेज जापान जैसी कंट्री में या अमेरिका में या किसी और कंट्री में क्या मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ आंसर इज ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना ये सर्विसेज क्या आप यहाँ बैठ करके इंडिया में बैठ के कोई ऐसी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं जो बाहर प्रोवाइड करी जाती हैं चाहे वो बैंकिंग की सर्विसेज हो इंश्योरेंस की सर्विसेज हो या कोई और सर्विसेज हो तो ये आंसर इज ये तो इसका मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स का नहीं होता बल्कि सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हमें देखने को मिलता है चाहे हम टूरिज्म की बात करें चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बैंकिंग वेयर हाउसिंग आप आज के समय पर बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करते हैं

अब देखो, licensing and franchising. कभी किसी ने डोमिनोज का पिज्जा खाया मैग्डी का बर्गर खाया सबने मेरे ख्याल से खाया होगा, कभी ना कभी खाया नहीं होगा अगर तो देखा जरूर होगा मतलब बर्गर नहीं बाहर से आउटलेट भी अगर देखा हो तो तो अच्छा क्या ये जो मैगडी के बर्गर हैं या ये जो डोमिनोज का पिज्जा है ये सारे एक जैसे लगते हैं लगते हैं ना मतलब इनके आउटलेट्स एक जैसे हैं अगर डोमिनोज की मैं बात करूं तो वो कुछ ब्लू कलर की थीम यूज़ करते हैं इसी और अगर आप मैगडी की बात करें तो वहाँ पे भी एक थीम यूज़ हो रही है इंटीरियर्स की चाहे आप बात करें चाहे आप उनके मेन्यू की बात करें उनके प्राइसेस की बात करें या टेस्ट की बात करें या प्रोसीजर जिसके तहत वो उनका प्रोडक्ट बन रहा है तो वो सारा सेम है इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस करने की कोशिश करना यदि मान लो मेरा एक कोई प्रोडक्ट है और मैं चाहती हूँ कि यार ये प्रोडक्ट जो है यार इंटरनेशनल मार्केट में जाए इस प्रोडक्ट के बहुत सारे आउटलेट्स होने चाहिए लेकिन मेरे पास तो फाइनेंस लिमिटेड है मैं हर एक कंट्री में नहीं जा सकती हर एक कंट्री में सेटअप नहीं कर सकती लेकिन मेरे बदले कोई और सेटअप कर सकता है उससे मैं कुछ पैसे ले लूंगी वो इंसान उसको सेटअप कर लेगा और जो है मैं उसकी उस सेटअप करने में मदद करूंगी तो इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस होना सो अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इसको हम डिटेल में भी कवरअप करेंगे कि फ्रेंचाइजिंग क्या है लाइसेंसिंग क्या है अभी हम फिलहाल इंटरनेशनल बिजनेस का एक इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन चीजों को या किस किस चीज को हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं आपके बहुत सारी कंपनी अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एच सी बहुत सारी uh, दिख रही होंगी अपने इर्द गिर्द जो इंडिया की नहीं है लेकिन इन्होंने यहाँ आके सेन कंपनी है कोई फॉरिन इंडिविजुअल है वो अगर इंडिया में आके सेटअप कर रही है इसको भी हम इंटरनेशनल बिजनेस कह रहे हैं हम भी अगर किसी दूसरी कंट्री में जाके एक बिजनेस एक व्यवसाय खड़ा कर दे रहे हैं तो उसको भी इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस का का नाम दिया जा रहा है 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 इसका मतलब इंटरनेशनल जो है, जो दायरा सीमा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें हम सर्विसेस को इंक्लूड कर रहे हैं हम इन पे हम इनमें लाइसेंसिंग को इंक्लूड कर रहे हैं हम इसमें फ्रेंचाइजिंग को इंक्लूड कर रहे हैं हम इसमें साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं हम इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं अब इंटरनेशनलाइजेशन जब होता है हम कहते हैं ना कि एक कंपनी कभी जब सेटअप करी जाती है यदि मान लो मैंने या आपने हमने मिलकर कोई कंपनी सेटअप करी तो ऐसा तो नहीं है कि हम पहले दिन से या शुरुआत से ही इंटरनेशनल बिजनेस करने जाएंगे कुछ तो प्रोसीजर होगा कुछ तो स्टेज होगा बोलते ना कि यार हम धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज, स्टेज स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं तो वो स्टेजेस क्या है वो स्टेप क्या है जिन स्टेजेस जिन स्टेप्स के तहत हम इंटरनेशनल बिजनेस करने की कोशिश करते हैं हमने कहा पहला जो स्टेज है दैट इज द डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हो गया एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक कंट्री के अंदर बनी है और एक ही कंट्री के अंदर व्यवसाय कर रही है बिजनेस कर रही है तो वो हो गई हमारी डोमेस्टिक कंपनी अब यदि मानो मैंने एक कंपनी खड़ी करी और मैंने कहा कि यार ये जो बोर्ड है ये जो स्मार्ट बोर्ड है इनका प्रोडक्शन मैं करूंगी और इनको मैं बेचूंगी ये मेरा बिजनेस था और ये बिजनेस मैंने सेटअप किया अपने ही देश में यानी इंडिया के अंदर मैंने सेटअप किया तो मैं क्या हो गई बताइए मैंने इंडिया के किसी एक्ट के तहत मैंने क्या कहा मैंने इंडिया के किसी एक्ट के तहत अगर कोई बिजनेस सेटअप किया है जहां पे मेरा उद्देश्य है ये व्यवसाय ये बिजनेस मैं इंडिया में करूंगी और ये बिजनेस भी मैंने इंडिया में ही सेटअप किया है तो मैंने क्या किया है एक डोमेस्टिक कंपनी की स्थापना यहाँ पे करी है क्लास की पीडीएफ आपको एफ आपको यहीं यही से मिल जाएगी ऊपर लिखा है यूजीसी बाय बुशराम आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा डोमेस्टिक कंपनी जो है वो लिमिट कर रही है यानी सीमित कर रही है अपने ऑपरेशंस अपने मिशन अपना विजन तक अपने इस नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज से यानी इंडिया का ये जो दायरा है ये जो सीमा है यहीं तक हमारे प्रोडक्शन को हमारे बिजनेस को हमारी सेल्स को अगर हम सीमित करते हैं तो हम क्या है हमें डोमेस्टिक कंपनी के रूप में आते हैं ये कंपनियां एनालाइज करती हैं यानी देखती हैं समझती हैं परखती हैं किसको अपने नेशनल एनवायरनमेंट को आपके नेशन के एनवायरनमेंट को देखती हैं कि यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है यहाँ के कस्टमर्स कैसे हैं यहाँ के कंपटीटर्स कैसे हैं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कहती हैं यानी हम सिर्फ और सिर्फ किस तक आप कह सकते हैं निर्भर है किस पर निर्भर है या किसका एनालिसिस करेंगे एनवायरमेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हमने कहा हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल तक यहाँ पे सीमित रहेंगे डोमेस्टिक कंपनियां अनकॉन्शियस मोटो उनका क्या रहता है इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन दी होम कंट्री इट इज नॉट हैपनिंग यानी अगर मैं व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ भारत में कर रही हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ जो भारत में हो रही है या जिस भी चीज का इफेक्ट असर भारत पे पड़ेगा मेरे लिए सिर्फ वो चीज़ अहम रखेगी यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो भारत के बाहर हो रही है तो मैं अज्यूम करूँगी वो मेरे लिए हो ही नहीं रही है क्योंकि उसका इफेक्ट मेरे कंट्री पे मेरी कंपनी पे नहीं पड़ने वाला सो दिस इज वाट आपकी डोमेस्टिक कंपनी सबसे पहले कोई भी कंपनी आती है तो वो डोमेस्टिक रहती है धीरे से वो इंटरनेशनल की ओर जाती है। इंटरनेशनल की ओर कब जाती है जब उसको ऐसा लगता है कि यार चलो प्रोडक्ट्स तो बना लिया अब एक काम करते हैं इन प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं यानी जब हम अपनी होम कंट्री में ही हैं हर एक चीज अपनी इंडिया के हिसाब से करेंगे प्रोडक्शन इंडिया के हिसाब से करेंगे पैकेजिंग डिसीजंस हर एक चीज इंडिया के हिसाब से करेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट्स हैं कम कर दें इन प्रोडक्ट्स को वहां पर भी तो बेच सकते हैं वहां पर भी तो बेच सकते हैं मैंने उनका मार्केट स्टडी नहीं किया मुझे उनके जैसा प्रोडक्ट नहीं बनाना मुझे उनके जैसा एनालिसिस नहीं करना मुझे मैंने उनकी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है मैं सिर्फ अपनी कंट्री से लेना देना रख रही हूँ और अपने इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाह रही हूं तो मैं क्या बन गई एक इंटरनेशनल कंपनी बन गई पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है ये वो कंपनियां हैं जो डिसाइड करती है कि यार चलो अपॉर्चुनिटी बाहर भी तो है ना मेरी कंट्री के उन अपॉर्चुनिटीज को टैप इन करने चलते हैं ये वो स्टेज है जब आप इंटरनेशनल जाने की कोशिश कर रहे हैं ये वो कंपनियां हैं जो एथनोसेंट्रिक रहेंगी एथनोसेंट्रिक का मतलब हो गया जब आप अपनी कंट्री को तरजीह देते हैं यानी अहमियत देते हैं आप कहते हैं कि मेरी कंपनी में जो टॉप लेवल पोजीशन के ऊपर पर्सन हैं, या जो लोग डिसीजंस लेंगे वो मेरी कंट्री के होंगे यानी अगर मैं इंडिया की हूँ इवन इफ मैं दस कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं अपनी टॉप लेवल पोजीशन में एक इंडियन पर्सन को बिठा लूंगी क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी कंट्री को मेरी कंपनी को ज्यादा बेहतर ढंग से जाने का मैं जो प्रोडक्ट्स बना रही हूँ वो अपने कंट्री के टेस्ट प्रिफरेंस के हिसाब से बना रही हूँ मैं मार्केटिंग अपनी कंपनी कंट्री के हिसाब से कर रही हूँ बस मैं एक्सपोर्ट बाकी जगह कर दे रही हूँ तो मैं मैं क्या हो मैं हो गई गई एक इंटरनेशनल कंपनी ये दूसरी स्टेज होती है हमारे पास ये वो कंपनियां हैं जो ऐसा स्ट्रैटेजी चूज करती हैं कि अपनी ब्रांच को फॉरेन मार्केट में लेके जाते हैं चलो एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन इन अदर वर्ड्स ये वो कंपनियां हैं जो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यानी वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल नहीं है प्रोडक्ट हमारा ही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपने ही डोमेस्टिक प्राइस पे अपनी ही प्रमोशन प्रैक्टिसेस पे फॉरेन मार्केट में लेके जा रही हूँ उनके जैसा कुछ नहीं करना मुझे मैं सब अपने हिसाब से कर रही हूँ देन आई बी अ इंटरनेशनल कंपनी स्टेज टू इंटरनेशनलाइजेशन तीसरी स्टेज आ जाती सबसे नेशनल क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी किया, हम सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी फिर इसी बिजनेस को इसी प्रोडक्ट्स को मैंने कहा एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो इंटरनेशनल कंपनी बन गया अभी भी लेकिन इंपॉर्टेंस हर एक डिसीजन में किसको देख रहे है? अपनी कंट्री को देख रहे हैं थर्ड आ जाती है मल्टीनेशनल कंपनी की स्टेज अब वो इंटरनेशनल कंपनियां मल्टीनेशनल बनती हैं जब वो रेस्पोंड करना चालू करती हैं स्पेसिफिक नीच को उनको लगता है कि नहीं यार फ्रांस में तो फ्रांस के जैसा काम करना पड़ेगा चाइना में चाइना के जैसा काम करना पड़ेगा जापान जापान में जैसा जैसा काम करना पड़ेगा, हर जगह इंडिया के जैसा काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हम जो काम इंडिया में कर रहे थे वही काम हर जगह करने लग जाए ना तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ये जो डिफरेंसेस है ना कंट्रीज के इनको एनालाइज करती है ये कहती है कि नहीं यार वहां अगर जा रहे हो तो वहां के हिसाब से काम करना पड़ेगा वहां के लोगों को टॉप पे रखना पड़ेगा और अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया के लोगों को रखना पड़ेगा हमने क्या किया हमने मल्टीनेशनल नेशनल कॉन्सेप्ट ले किया ये जो स्टेज है ना इसको आप मल्टी डोमेस्टिक भी कहते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जापान में जापान जैसा फ्रांस में फ्रांस जैसा चाइना में चाइना जैसा इंडिया में इंडिया जैसा जैसा देश वैसा भेस यानी हमने जापान को एक अलग मार्केट समझ लिया फ्रांस को एक अलग मार्केट समझ लिया चाइना को एक अलग मार्केट समझ लिया और इंडिया में जो था वो तो वैसा ही है तो मैंने हर एक जगह अलग 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 किया दिस इज मल्टी डोमेस्टिक एज वेल क्योंकि वहां पे जा रहे हैं वहां के जैसी स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं वहां के लोगों को टॉप लेवल पोजिशन के ऊपर रख रहे हैं सो दिस इज मल्टी नेशनल कंपनी ओके सो दिस इज अ मल्टी नेशनल कंपनी हमारे लिए अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं डिफरेंट मार्केट के लिए ओरिएंटेशन यहां पे एथनोसेंट्रिक से पॉलीसेंट्रिक के ऊपर शिफ्ट कर जाता है अच्छा मेरे को जल्दी से बताना एथनोसेंट्रिक अप्रोच कौन से स्टेज के ऊपर हमने पढ़ी थी विच स्टेज ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनलाइजेशन टॉक्स अबाउट एथनोसेंट्रिसिटी बताओ हां जी मालती जी ये वाली क्लास डेली यहाँ पे दो बजे चलती है सॉरी एक बजे चलती है चलो मेरे को पता ना कौन सी स्टेज थी इंटरनेशनलाइजेशन की जहां पे हमने एंथनो सेंट्रिक अप्रोच पढ़ी दैट वाज दी लास्ट स्टेज

चौथी स्टेज आ जाती है दैट इज ग्लोबल कंपनी की स्टेज ग्लोबल अभी तक हम क्या कर रहे हैं जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके जैसा काम कर रहे हैं यानी हम क्या कर रहे हैं हम और नेशनल ऑन हैंड अगर मैं ग्लोबल कंपनी की बात करूं तो अ ग्लोबल कंपनी इज द वन विच हैज इधर ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजी और अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी यानी अब यहां पे ये यह नहीं कि हम एक कंट्री वाइज स्ट्रैटेजी बनाते फिर रहे हैं हर एक कंट्री का अलग अलग करते फिर रहे हैं अब हम ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाने की बात करेंगे क्योंकि तो जब आप एक समय पे दो तीन चार कंट्रीज में काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है हर एक कंट्री की अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं लेकिन जब आप इससे ज्यादा बड़े लेवल पर काम करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है हर एक कंट्री की अलग स्ट्रैटेजी बनाना आपको ग्लोबल स्ट्रेटजीज की बात करनी पड़ेगी अब आपको ग्लोबल लेवल ग्लोबल दायरे की बात करनी पड़ेगी सो so, अगली स्टेज ग्लोबल स्ट्राटेजी. एक ग्लोबल कंपनी या तो प्रोड्यूस करती है होम कंट्री में यानी अगर मैं अपनी कंपनी को ग्लोबल कंपनी बनाना चाहूँ या ग्लोबल कंपनी के रूप में देखू तो मैं या तो इंडिया में ही प्रोडक्शन कर लू है ना मैं या तो इंडिया में ही प्रोडक्शन कर लू या सिंगल कंट्री में प्रोडक्शन कर लूं और किसी जगह पे मार्केटिंग फोकस कर लूं प्रोड्यूस कर लूं प्रोडक्ट्स को या तो ग्लोबली एंड फोकस कर लूं मार्केटिंग डोमेस्टिकली मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकती हूँ एग्जाम्पल के रूप में ग्लोबल कंपनी क्या है ग्लोबल स्ट्रेटेजी बनाने की बात करेगी या तो वो प्रोडक्शन एक सिंगल कंट्री के अंदर कर ले और मार्केटिंग अलग 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 कंट्रीज में कर दे या तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी वो ग्लोबल लेके आ जाए और प्रोडक्शन वो हरे कंट्री में अलग अलग कर दे दो प्रकार से आप कर सकते हैं so, आप इस तरीके की अगर स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं देन यू आर अ ग्लोबल कंपनी हो भैया क्या है आप एक ग्लोबल कंपनी है पांचवी स्टेज की अगर मैं बात करूं दैट इज ट्रांसनेशनल कंपनी ट्रांसनेशनल कंपनी ट्रांसनेशनल कंपनी क्या है ये प्रोड्यूस करती है मार्केट करती है इन्वेस्ट करती है ऑपरेट कर रही है अक्रॉस दी वर्ल्ड यानी यहाँ पे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट कर रहे हैं यानी मार्केटिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ऑपरेशंस भी कर रहे हैं सब कुछ अक्रॉस दी वर्ल्ड कर रहे हैं ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड ग्लोबल एंटरप्राइज है जो ग्लोबल रिसोर्सेस को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करती है यानी यहाँ पे अब आप क्या बात करेंगे अब आप बात करोगे ग्लोबल मार्केट को लिंक करने की रिसोर्सेज को कि यार एक काम करते हैं चाइना में रिसोर्सेज बहुत सस्ती है काम करते हैं वहां से ले आते हैं यार वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है वहां से ले आते इस तरीके की लिंकेज अगर आप कर रहे हैं आप

या तो प्रोडक्शन एक जगह करो और मार्केटिंग सब जगह की अलग अलग कर दो ऐसा कर लो फिर हम आए ट्रांसनेशनल कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कहा यार ट्रांसनेशनल कॉन्सेप्ट में अब हमें इस पूरे वर्ल्ड का लिंकेज बनाना है कहां पे क्या बेहतर है कहां से क्या कनेक्ट किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे दिस तो इज नोन एज ट्रांसनेशनल कंपनी हमारे लिए इसको क्या कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी हमारे लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक किसी को समझने में स्टेजेस ऑफ दरनेशनलाइजेशन एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दी स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ये आगे समझ इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है वुड यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल एज इंटरनेशनलाइजेशन जब हम करते हैं जब हम बात करते हैं कि यार चलो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं कि हम अपने अल्टीमेट जो हम आज बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की उस तक पहुंच सके अब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा शब्द जो मेरे ख्याल से आपने सुना ही होगा यार ग्लोबलाइजेशन करना है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ग्लोबलाइजेशन है, है क्या मतलब अगर मैं सिर्फ इस शब्द की बात करूं कि यार ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन है क्या मतलब सुना तो हमने बहुत है आखिर है क्या ग्लोबलाइजेशन वट इज ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं यार इंटरनेशनल बिजनेस में आजकल के समय पे हम बात करते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन हो रहा है बहुत ज्यादा है क्या आखिर ग्लोबलाइजेशन तो हमने कहा इस पूरे वर्ल्ड को ये पूरा वर्ल्ड है अगर मेरा इस पूरे वर्ल्ड को अगर आप एक सिंगल मार्केट समझ लो मेरे लिए ये नेशनल बॉर्डर्स ही नहीं मुझे दिख ही नहीं रही है नेशनल बॉर्डर्स मैं इस पूरे वर्ल्ड को अगर एक सिंगल मार्केट की तरह से देख रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ मैं ग्लोबलाइजेशन फॉलो कर रही हूँ एज अ कंपनी जब हम ग्लोबलाइजेशन फॉलो करने की बात करते हैं यानी हम कहते हैं कि यार हम ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं हमारी कंपनी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही है विच मींस इस पूरे वर्ल्ड ये पूरा वर्ल्ड मेरा क्या है सिंगल मार्केट है मेरे को मतलब नहीं कि मैं इंडिया की कंपनी हूँ मैं जापान की हूँ मैं फ्रांस की हूँ मेरे लिए ये वर्ल्ड एक, एक मार्केट है अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है रिसोर्सेस सबसे अच्छी हैं सबसे सस्ती हैं तो मैं यहाँ से लूँगी

मेरे को ये नहीं मतलब है कि दिस इज सिंगल मार्केट ये कौन सी कंट्री है ये कौन सी कंट्री है ये कौन सी कंट्री है कौन सी कंट्री है आई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मेरे को ये मार्केट दिख रहा है ये वर्ल्ड एक मार्केट दिख रहा है जहां पे बेहतर जो चीज होगी मैं वहां पे वो चीज करने की कोशिश करूंगी और इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन करना तो ग्लोबलाइजेशन को हम कह रहे हैं जब फ्री मूवमेंट हो रहा है गुड्स का क्योंकि हम बाउंड्रीज ही नहीं कर रहे ये फ्री मूवमेंट हो रहा है गुड्स का ये फ्री मूवमेंट हो रहा है पीपल का इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी का एक्रॉस दीज नेशनल मॉडल्स तो हम ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट बार बार हम बात करते हैं कि यार हमने जो है क्या किया है हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो क्या कर दिया है वो उसके रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं सो व्हाट आर आर वी वी डूइंग हेडिंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम उसको तो फ्री मूवमेंट दे रहे हैं बाहर का बंदा कर रहा है अगर तो हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं अगर हम इस तरीके की बाधाओं को हटाने की बात करें इसका मतलब हम ग्लोबलाइजेशन की ओर मूव कर रहे हैं हम अभी वो फ्रीगमेंटेशन fragmentation... <coughs> अब वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ बाउंड्रीज को हटाने की बात कर रहे हैं नाउ ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर मैनर में यानी कोई रुकावट के आप कह सकते हैं बिना अगर आप ऐसा कोई फ्री मूवमेंट मतलब कर रहे हैं इसका मतलब आप ग्लोबलाइजेशन की ओर मूव कर रहे हैं ये जो फिना है ये ना केवल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है बल्कि सोशल कल्चरल पॉलिटिकल और लीगल इसके अंदर आप कह सकते हैं भी टिक प्लेस ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ करनी चाहिए पॉलिटिकल है, है। फैक्टर्स हैं बहुत सारी चीजें कर सकती है हम क्या डेवलप्ड है नहीं है हम भी तो कर रहे हैं ना हम भी तो कर रहे हैं आंट वी डूइंग इट इज इन टाटा डूइंग इट देर आर सो मैनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू चाहे आप शुगर की बात कर लीजिए यू टॉक अबाउट वर्ट देर आर सो मैनी ब्रांड इंडियन ब्रांच दे आर डूइंग इट सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री कर सकती है ये हमारे की सोच है कि हम अपनी कंट्री को बहुत पिछड़ा समझते हैं कि हम सिर्फ डेवलप कंट्री कर सकते हैं वी आर ऑल्सो डूइंग इट यू नीड टू एक्सपैंड योर होराइजन है ना अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना है अभी आपको अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें ग्लोबलाइजेशन चेंजेस योर डेली बिजनेस ऑपरेशंस बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन चेंज अब ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब आपको दूसरी कंट्री मिल रही है बिजनेस करने के लिए आप वहां जाके सब कुछ करें इसी और जब दूसरी कंट्री आपकी कंट्री के अंदर आती है तो आपके लिए चैलेंजेस भी टेक प्लेस करते हैं आपको अपने इर्द गिर्द

अपनी इंटरनल प्रोसेसेस चेंज करनी पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं एक तरफ मैं कैसे करूंगा ये कैसे होगा नहीं यार वहां नहीं यार, यही कर लेते हैं ना इंडिया में ही कर लेते हैं अगर इस तरीके का एटीट्यूड है यू कैन नॉट गो ग्लोबल आपको अगर ग्लोबल जाना है यू नीड टू एक्सपेक्ट कंपनी सी मैनी एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस चेंज वंस दे एंटर दी इंटरनेशनल मार्केट प्लेस अब जैसे ही आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में एंटर करते हैं आपको अपने अंदर अपनी कंपनी में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको चेंज होती हुई दिखेंगी बहुत सारी बाधाएं आएंगी अब ऐसा नहीं है यार आज मैं यहाँ सोच रही हूँ मैं इंडिया में बैठी हूँ और मैंने सोचा मैं जापान में बिजनेस करती हूँ और इट इज वेरी इजी टू डू बिजनेस ऐसा नहीं आपको बहुत सारी बाधाएं फेस करनी पड़ेंगी चाहे वहाँ पे कोई रेगुलेशन होंगे उनकी भी होंगी जो आपको देखनी पड़ेंगी उसके बाद लैंग्वेज के बैरियर्स आएंगे वहां पे कोई और लैंग्वेज बोली जाती है बहुत सारी बैरियर्स आपको फेस करने पड़ेंगे बहुत सारे आप कह सकते हैं चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं और कुछ आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे क्या डालेंगे आपको एक बड़ा कस्टमर बेस मिल जाएगा हो सकता है इंडिया में उस चीज की इतनी डिमांड नहीं थी बाहर वहां पे उस चीज की डिमांड है सो यू गेटिंग कस्टमर बेस इन दैट सिनेरियो सो ये एक एडवांटेज हो सकती है हो सकता है लेकिन उनको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है So, आपके लिए कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम आ गई सो जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं आप ग्लोबलाइजेशन की बात करें इट कम्स विद बेनिफिट एज वेल एज चैलेंजेस फॉर अ कंपनी अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के समय में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है अच्छा कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है मतलब वैसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से एक कंपनी जो किसी एक देश में बनी थी वो आज अलग-अलग देशों में जाके बिजनेस कर रही है और वहां के मार्केट को समझ रही है और अपनी कंट्री तक सीमित नहीं है क्या क्या चीजें हैं जो आज ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है क्या आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं जिनकी आप डिमांड करते हैं इंडिया के नहीं है है वो प्रोडक्ट्स। क्या ये एक फैक्टर हो सकता है कि हम चीजें डिमांड कर रहे हैं तो वो चीज यहाँ आ रही है हमारे तक आईफोन है आईफोन पंद्रह लॉन्च हुआ इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था तब तक लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेज हो गया उस चीज का क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पर जो है एक बड़ा मार्केट उनको जो को बढ़ावा दे रही है कि ये कंपनियां अलग अलग कंट्रियों में जा रही है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो हमारी और आपकी डिमांड है जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे यहाँ नहीं लेके आएंगे हम डिमांड कर रहे हैं सबसे आप कह सकते हैं बड़ी चीज इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देने की वो हो गई हमारे लिए हमारी डिमांड सर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी अपडेट होने का मतलब अभी ऑनलाइन इनको सारी चीजें पता चल रही है पहले तो मार्केट से नहीं पता होते थे हमें पहले के समय पर जब इंटरनेट नहीं था जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो मेरे को तो पता ही नहीं था यार कस्टमर कहाँ कहाँ है उसकी डिमांड क्या है वो क्या सोचता है क्या देखता है हमें नहीं पता था आज मुझे पता है, पता है तो पता है क्यों क्योंकि टेक्नोलॉजी एक वो कंट्री है जहां पे ऐसा नहीं बनता। पहले तो बहुत तो दूर की बात है आज मुझे कंट्री तक पता है मुझे ये भी पता है वहां कौन सा प्रोडक्ट बनता है किस प्रोडक्ट के लोग डिमांड करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी अगेन बढ़ावा मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन को सो ऑप्शन नंबर यहाँ सॉरी पॉइंट नंबर वन यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ड्राइवर ग्लोबलाइजेशन का हो गया टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर दूसरा आ गया हमारे लिए पॉलिटिकल ड्राइवर अच्छा आप, आप अगर देखते हो अपने पॉलिसीज को अपने गवर्नमेंट्स के जो बजट है, आती हैं जो पॉलिसीज आती हैं क्या आपको लगा पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे पास में पॉलिसीज आई हैं दे आर मोर ऑफ अ लिबरल पॉलिसी यानी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया है पहले रिस्ट्रिक्शंस बहुत हुआ करती थी पहले अगर आप आज से 1991 की पॉलिसी के पहले अगर आप बात करें तो देर वर अ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लाइसेंसिंग से लेकर के इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते थे लेकिन आज वो रिस्ट्रिक्शंस कम होते चले जा रहे हैं आर सेवरल सेक्टर्स पे फ्री आप कह सकते हैं अलायंस है अपटू हंड्रेड परसेंट तक का सो ओवर वट इज है जो पोलिटिकल फैक्टर्स है ये भी ड्राइव कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो इस वजह से क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ओपन अप कर दिया है तो बाहर से कंपनियां आ रही है और यहाँ आगे सेटअप हो रही है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आज जो है वो बढ़ रहा मार्केट फोर्सेस अच्छा अगर आप एक कंट्री तक सीमित है कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए वो मार्केट सिर्फ इतना सीमित हो गया ना मान लो ये है कंट्री तो आपके लिए मार्केट इतना सीमित हो गया अगर आपको ग्रो करना है भाई हर एक कंपनी चाहती है कि वो आज इस लेवल पे काम कर रही है कल इस पे करे परसो पे परसो इस पे स्काई इज दी लिमिट हम बढ़ना चाहते हैं हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम ग्रोथ चाहते हैं और उस ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कस्टमर इतना ही है अब मैं कस्टमर तो नहीं पैदा कर सकती क्योंकि कस्टमर जितना है उतना ही रहेगा बेस अब ये जो कस्टमर बेस है इसको मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे नए मार्केट जाना पड़ेगा नए मार्केट जा रही हो यानी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ तो ग्लोबलाइजेशन को फिर बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंपनी एक कंपनी दूसरी कंट्री में जा रही है वहां की वहां जा रही है तो क्या हो रहा है हम क्रॉस बॉर्डर मूव कर रहे हैं अब क्रॉस बॉर्डर मूव कर रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई मुझे पता है कौन सी कंट्री में जा रहा है तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है हमने ये पूरे वर्ल्ड को सिंगल मार्केट ट्रीट कर लिया हमने कहा यार जहां मेरे लिए बेहतर है मैं जाके बिजनेस करूंगी मेरे को ये नहीं है कि मैं सिर्फ यही बिजनेस करूंगी सो दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन करने की कोशिश करना होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वाला जो सेशन है यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट से रिलेटेड ये वाला मेरा सेशन डेली बेसिस के ऊपर इसी चैनल विच इज यूजीसी नेट आटा ट्वेंटी फोर सेवन के ऊपर चलता है एट वन भें इसको भी आप ज्वाइन करना मत भूलिए एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तो आप मेरे कंप्लीट कॉमर्स के या मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं करना क्या है या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक आपके पास ऊपर चैट में देके रखा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है या आप एप्लीकेशन पे चले जाइए adder247.com ऑल कोर्सेज में ऐसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे क्लिक करेंगे यूजीसी पे क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करने के बाद आपको मेरे कोर्सेज दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमर्स का कोर्स है अगर किसी को स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के कोर्स में एनरोल करना है तो इस कोर्स में एनरोल कर सकता है अगर आपको पेपर वन में एनरोल करना है तो आप पेपर वन में एनरोल कर सकते हैं और अगर आप दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेगा पैक में एनरोलमेंट ले सकते हैं मेगा पैक में क्या होता है कि दोनों सब्जेक्ट के कोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं पेपर वन और कॉमर्स दोनों के और जब तक मेगा पैक की वैलिडिटी है तब तक जितने कोर्सेज आते रहेंगे कॉमर्स के या पेपर वन के वो सब आपको इसमें मिलते रहेंगे ये वाले जो मेगा पैक है इसमें इंग्लिश मीडियम बुक किट भी अवेलेबल है यानी आपके घर पे नौ किताबें भी डिलीवर होंगी और इसमें बुक किट अवेलेबल नहीं है बाकी सारी चीजें दोनों में सिमिलर रहेंगे सो so, अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप मेगा पैक में एनरोलमेंट लीजिए वाई नाउ पे क्लिक करेंगे कोड यूज करेंगे वाई सेवन सिक्स जीरो इस कोड को यूज़ करने के बाद में आप देखोगे अभी फिलहाल बिकॉज क्योंकि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है सो सिक्स प्लस सिक्स मंथ्स की वैलिडिटी है यानी अगले बारह महीने तक सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे साथ ही साथ एट्टी परसेंट ऑफ भी आपको मिल रहा है एंड दिस इज लाइक ए लिमिटेड पीरियड ऑफर जो आज खत्म हो जाएगा आपका इसके बाद अगेन आपको सिर्फ सिक्स मंथस की वैलिडिटी मिलेगी एंड प्राइस भी थोड़े से इंक्रीज कर जाएंगे जो so, अगर आप प्लान कर रहे हैं एनरोल करने का तो आज ही एनरोल कर लीजिए इन मैगापैक्स के अंदर एंड विल सी यू गाई इज इन दी क्लासेज वीज अगेन इन दैक्स सेशन बाई टेक केयर एवरी वन हाँ जी श्योर मालती जी uh, जैसे बुक हिंदी मीडियम की आ जाएगी मैं आप लोगों को यहीं पर इन्फॉर्म कर दूँगी